आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से अब एडिबल ऑयल पैक की। एडिबल ऑयल पैक में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सरसों की। सरसों का अक्टूबर वादा देखने 8,250 पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि सरसों की कीमतों में हाल फिलहाल में हमने वायदा बाजार के अंदर एक नरमी आते हुए देखी है। दरअसल ज़्यादातर पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जो जिनके पास सरसों का स्टॉक था वो सरसों का तेल मार्केट में उतार चुकी हैं, अब उनके पास स्टॉक नहीं बचा है। भारत के ही अंदर सरसों का जो स्टॉक है वो लगभग 30 लाख टन का बचा हुआ है सिर्फ, और किसानों के पास 14 से 15 लाख टन है। और किसान अपनी जो पुरानी सरसों है वो बाज़ार में अब लेकर ही तभी आएंगे जब नई सरसों की आवक आ जाएगी, क्योंकि जब नई सरसों की आवक आएगी तो नई सरसों की आवक में नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिससे किसानों को उनकी पुरानी सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे। तो किसान अभी अपनी पुरानी सरसों को तभी उतारेंगे मंडियों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, जब नई सरसों की आवक हो जाएगी, और नई सरसों की आवक होगी फरवरी मार्च के में। तो अभी समय है थोड़ा सरसों की आवक आने में, नई आवक आने में, और इतने में स्टॉक की भी भारी कमी है और पेराई मिलें भी बंद हो चुकी हैं। और पेराई मिलें वो बंद हुई हैं जिनके पास स्टॉक नहीं था और जो ऊंची कीमतों पर सरसों की खरीद नहीं कर पाई। अब इस चीज़ को ऐसे तरीके से दिखाया जा रहा है, इस नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से वायदा बाज़ार पर और हाजिर मंडियों पर किसानों की सरसों की जो कीमतें हैं उन पर एक गिरावट वाला माहौल बनता हुआ नज़र आया है। इसका जो भुगतान है किसानों को सरसों की कीमतों में गिरावट के तौर पर करना पड़ा है। खबर तो फैला दी कि पेराई मिलें बंद हो गई, वायदा बाज़ार में गिरावट आई है, और जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है किसानों की सरसों की कीमतों पर देखने को मिला। लेकिन किसानों का भी सवाल है, अगर सरसों में गिरावट है तो सरसों के तेल में क्यों नहीं है, सरसों तेल उसी रेट पर क्यों बिक रहा है, और जबकि उसी रेट पर बिकने की बजाय उस सरसों तेल की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा तेज क्यों होती जा रही हैं लगातार। और सरकार का भी एक्शन तभी आया है जब किसानों की नई फसल आने वाली है। ऐसा ही तब हुआ था जब सोयाबीन की बुआई के समय, सोयाबीन की बुआई के समय भी किसानों के साथ ऐसी हुआ था, और अब सरसों की बुआई के समय भी किसानों के साथ ऐसी हो रहा है। तो किसानों का भी सवाल है कि अगर कीमतें तेज होने से, सरसों की कीमतें तेज होने से एक्शन लिए जाते हैं जिसकी वजह से किसानों को सरसों के दाम कम मिलते हैं और उपभोक्ताओं को फायदा हो नहीं रहा है सरसों तेल में, क्योंकि उपभोक्ता अभी भी ज़्यादा कीमतों पर ही सरसों का तेल खरीद रहा है, तो जो कंपनियां हैं सरसों के तेल वाली उन्होंने तो दाम कम किए नहीं है, तो फ़ायदा ना किसानों को हुआ है ना ही उपभोक्ताओं को हुआ है। तो किसानों का भी ये सवाल है कि फ़ायदा हो किसको रहा है, क्योंकि किसानों की सरसों के दाम तो घट गए हैं। लेकिन हमने इस बारे में एक वीडियो भी डाली अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने साफ साफ बताया कि कीमतें आगे क्या रह सकती हैं, क्यों रह सकती हैं, लॉजिक क्या है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आगे जाके सरसों की डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो जो किसान है वो सतर्क हो जाए, वो किसी के बहकाए में ना आए, सरसों की अपनी सरसों जितनी बची है जो बहुत ही कम है अभी किसानों के पास, उसको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बेचें, क्योंकि आगे जाके सरसों की डिमांड कम नहीं होगी और ना ही कीमतें, दोनों ही बढ़ेंगी। तो अब किसानों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें अपनी सरसों कब किसको कितने दाम पर बेचनी है।